हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वेलकम टू किचन्स आरशान। तो आज हम बनाने वाले हैं एग्लिट चॉकलेट लावा केक, जो कि एक्स्ट्रा चॉकलेटी होने वाला है और ये चॉकलेट लवर्स को बहुत पसंद है। तो मैंने इस चॉकलेट केक प्रिपरेशन को 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट चॉकलेट बेस, दूसरा चोको व्हिपिंग क्रीम और तीसरा इस केक को एक्स्ट्रा चॉकलेटी बनाने के लिए चॉकलेट गनाश। सो लेट्स सी द प्रिपरेशन। इसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है। बाउल में डाले 1/3 कप ऑफ ऑयल, 1/3 कप ऑफ कर्ड, आधी कप पिसी हुई चीनी। अब इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर ले ताकि कोई लम्प्स ना रहे। अच्छे से मिक्स करना चाहिए। अभी हम एक बड़ी छन्नी ले लेंगे और इसमें डालेंगे 1 कप मैदा, 1/3 कप ऑफ कोकोआ पाउडर, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा और 1 चुटकी भर नमक। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छान लेंगे। अभी इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छानने के बाद मैं एक स्पैचुला के हेल्प से इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। कट एंड फोल्ड मेथड में मिक्स करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। अभी हम इसमें डालेंगे 1/2 कप ठंडा दूध और मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। इसको कट एंड फोल्ड मेथड में ही मिक्स कीजिए। कट एंड फोल्ड मेथड में मिक्स करने से बैटर में लम्प्स नहीं होंगे। इस तरह से मिक्स कर लें और एक रिबन कंसिस्टेंसी वाला बैटर रेडी कर लेंगे। अभी हम एक केक कटिंग ले लेंगे। मैंने यहाँ पे 6 इंच का टिन लिया है, उसके ऊपर तेल लगा लेंगे, अच्छे से साइड्स पे भी लगा लेंगे और मैदा से डस्ट कर लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप उसे भी रख सकते हैं। तो अभी हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को टिन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और टैप कर देंगे 2 से 3 बार। टैप कर दे इस तरह से और माइक्रोवेव कर लेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पे 40-45 मिनट्स। अभी चोको व्हिपिंग क्रीम बनाने के लिए हम एक आइस बाथ रेडी कर लेंगे। इसके लिए थोड़े से आइस क्यूब्स को एक बड़े से बॉल में ले ले और एक छोटे बॉल में डाले 1 कप क्रीम। इसमें डाले 1/3 कप ऑफ कोकोआ पाउडर और डाले 1/3 कप ऑफ पिसी हुई चीनी और इसको इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर ले। आइस बाथ के ऊपर रख के बीट करने से क्रीम मेल्ट नहीं होगा। पिक्स आने तक हम इसको बीट कर लेंगे। चॉकलेट गनाश बनाने के लिए हम एक सॉस पैन में 1/2 कप पानी ले लेंगे, 1/3 कप ऑफ कोको पाउडर ले लेंगे और 1/3 कप ऑफ चीनी ले लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें डालेंगे 1/2 कप दूध। अच्छे से मिक्स कर ले इसको और हम इस मिक्सचर को फ्लेम पे पका लेंगे। इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे। अच्छे से मिक्स करते रहिए ताकि लम्स ना फॉर्म हो। अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे। अभी हम इसमें डालेंगे 50 ग्राम्स ऑफ डार्क चॉकलेट और देखिए हमारा एक गनाश गाढ़ा हो रहा है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर। बटर से ग्लॉसी लुक आएगा। 7 मिनट पकाने के बाद हम इसको छान लेंगे। देखिए कितना ग्लॉसी लुक आ रहा है। अभी हमारा गनाश ठंडा होने के बाद और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। अभी 45 मिनट्स के बाद हम केक चेक कर लेंगे। एक टूथपिक इस तरह से चुभा के चेक कर ले। अभी हम इस केक को डीमोल्ड कर लेंगे। देखिए हमारा केक स्पॉन्ज कितना सॉफ्ट बना है। अभी एक लावा क्रिएट करने के लिए सेंटर में थोड़ा सा स्क्रेप कर ले। इस तरह से स्क्रेप कर ले सेंटर में। इसके ऊपर लगा लेंगे शुगर सिरप। अभी हम स्पॉन्ज को व्हिपिंग क्रीम से कोट कर देंगे। कोट कर दे अच्छे से। इस केक को अच्छे से कोट करके फ्रीज कर देंगे 2 घंटों के लिए।
को एक्स्ट्रा चॉकलेटी बनाने के लिए प्रिपेयर किया हुआ गनाश इसके सेंटर पर डाल लेंगे। इस तरह से टर्न टेबल को रोटेट करते हुए गनाश डाल लें ताकि बीच में ही एक लावा क्रिएट हो जाए। फिर से हम इस केक को एक डेढ़ घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे और थोड़े से चॉप्ड चेरी के साथ डेकोरेट कर लेंगे। अभी देखिए हमारा केक बनकर रेडी हो चुका है। फ्रीज करने के बाद भी सेंटर में थोड़ा सा लिक्विड ही रहेगा। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा बनकर रेडी हुआ है हमारा लावा केक। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।